अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कोड़े में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली कुरान पैरा 30, तो सुनते फील करते, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वाचिंग। रहनुमा हुआ करता है, अल्लाह ही उस बच्चे से वाकिफ है जो औरत के पेट में होता है, और वही पेट के सुकड़ने और बढ़ने से भी वाकिफ है, और हर चीज का उसके हां एक अंदाजा मुकर्रर है। वो छुपी और जाहिर चीजों का जानने वाला है, सबसे बुजुर्ग है, आली रुतबा है। कोई तुम में से चुपके से बात कहे या पुकार कर, या रात को कहीं छुप जाए, या दिन की रोशनी में खुल्लम खुल्ला चले फिरे, अल्लाह के नजदीक बराबर है। उसके आगे और पीछे अल्लाह के चौकीदार हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी निगरानी करते हैं। अल्लाह उस नेमत को जो किसी कौम को हासिल है नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत को न बदले, और जब अल्लाह किसी कौम के साथ बुराई का इरादा करता है तो वो फिर नहीं सकती, और अल्लाह के सिवा उनका कोई मददगार नहीं होता। वही तो है जो तुमको डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता और भारी भारी बादल पैदा करता है, और रात और फरिश्ते सब उसके खौफ से उसकी तस्बीह और तहमीद करते रहती हैं, और वही बिजलियां भेजता है फिर जिस पर चाहता है गिरा भी देता है, जबकि वो अल्लाह के बारे में झगड़ती हैं, और वो बड़ी कुव्वत वाला है। काम का पुकारना तो उसी का है, और जिनको ये लोग उसके सिवा पुकारते हैं वो उनकी पुकार को किसी तरह कबूल नहीं करते, मगर उस शख्स की तरह जो अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैला दे ताकि दूर ही से उसके मुंह तक आ पहुंचे, हालांकि वो उस तक कभी भी नहीं आ सकता। और इसी तरह काफिरों की पुकार बेकार है, और जितनी मखलूकात आसमानों और जमीन में है खुशी से या नाखुशी से अल्लाह के आगे सजदा करती है, और उनके साए भी सुबह शाम सजदे करते हैं। इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन का परवरदिगार कौन है, तुम ही कह दो कि अल्लाह। इनसे कहो कि क्या तुमने अल्लाह को छोड़कर ऐसे लोगों को कारसाज बनाया है जो खुद अपने नफा नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखते। कहो क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हैं, या अंधेरा और उजाला बराबर हो सकता है? भला इन लोगों ने जिनको अल्लाह का शरीक मुकर्रर किया है क्या उन्होंने अल्लाह किसी मखलूकात पैदा की है जिसके सबब उनके लिए मखलूकात मुश्तबा हो गई है? कह दो कि अल्लाह ही हर चीज का पैदा करने वाला है, और वो यकता है, बड़ा जबरदस्त है। उसी ने आसमान से मेह बरसाया, फिर उससे अपने अपने अंदाजे के मुताबिक नाले बह निकले, फिर पानी पर फूला हुआ झाग आ गया, और जिस चीज को जेवर या कोई और सामान बनाने के लिए आग में तपाते हैं उसमें भी ऐसा ही झाग होता है। इस तरह अल्लाह हक व बातिल की मिसाल बयान फरमाता है। सो झाग तो सूख कर जायल हो जाता है, और पानी जो लोगों को फायदा पहुंचाता है वो जमीन में ठहरा रहता है। इस तरह अल्लाह सही और गलत की मिसालें बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। जिन लोगों ने अल्लाह के हुक्म को कबूल किया उनकी हालत बहुत बेहतर होगी, और जिन्होंने उसको कबूल न किया, अगर रूए जमीन के सब खजाने उनके इख्तियार में हों तो वो सब के सब और उनके साथ उतने ही और नजात के बदले में सर्फ कर डालें, मगर नजात कहां? ऐसे लोगों का हिसाब भी बुरा होगा, और इनका ठिकाना भी दोजख है, और वो बुरी जगह है। भला जो शख्स ये जानता है कि जो कुछ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है हक है, वो उस शख्स की तरह है जो अंधा है, और समझते तो वही हैं जो अक्लमंद हैं, जो अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं और कौल व करार को नहीं तोड़ते, और जिन रिश्तों के जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया उनको जोड़े रखते, और अपने परवरदिगार से डरते रहते, और बुरे हिसाब से खौफ रखते हैं, और जो अपने परवरदिगार की खुशनूदी हासिल करने के लिए मुसाइब पर सब्र करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से पोशीदा और जाहिर खर्च करते हैं, और नेकी से बुराई को दूर करते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए आकिबत का घर है, यानी हमेशा रहने के बागात जिनमें वो दाखिल होंगे, और उनके बाप दादों और बीबियों और औलाद में से जो नेकुकार होंगे वो भी बहिश्त में जाएंगे, और फरिश्ते बहिश्त के हर एक दरवाजे से उनके पास आएंगे और कहेंगे तुम पर सलाम हो, ये तुम्हारी साबित कदमी का बदला है,
और आकिबत का घर खूब घर है, और जो लोग अल्लाह से पुख्ता अहद करके उसको तोड़ डालते और जिन रिश्तों के जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनको कतह कर देते और मुल्क में फसाद करते हैं, ऐसों पर लानत है और इनके लिए बुरा अंजाम है। अल्लाह जिसका चाहता है रिस्क फराह कर देता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है, और काफिर लोग दुनिया की जिंदगी पर खुश हो रहे हैं और दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ा सामान है। और काफिर कहते हैं कि इस पैगंबर पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है और जो उसकी तरफ रुजू होता है उसको अपनी तरफ का रास्ता दिखाता है, यानी उनको जो ईमान लाते और जिनके दिल अल्लाह की याद से आराम पाते हैं उनको। और सुन रखो कि अल्लाह की याद से ही दिल आराम पाते हैं, जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए खुशहाली और उम्दा ठिकाना है। जिस तरह हम पहले पैगंबर भेजते रहे हैं उसी तरह ए नबी हमने तुमको इस उम्मत में जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं भेजा है, ताकि तुम इनको वो किताब जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी है पढ़कर सुना दो। और ये लोग रहमान को नहीं मानते। कह दो वही तो मेरा परवरदिगार है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं उसी पर भरोसा रखता हूं और उसी की तरफ रुजू करता हूं। और अगर कोई कुरान ऐसा होता कि उसकी तासीर से पहाड़ चल पड़ते या जमीन फट जाती या मुर्दों से कलाम कर सकते तो क्या ये लोग ईमान ले आते। बात यह है कि सब बातें अल्लाह के इख्तियार में हैं, तो क्या मोमिनों को इससे इत्मीनान नहीं हुआ कि अगर अल्लाह चाहता तो सब लोगों को हिदायत के रस्ते पर चला देता, और काफिरों पर हमेशा उनके आमाल के बदले आफत आती रहेगी या उनके मकानात के करीब नाजिल होती रहेगी यहां तक कि अल्लाह का वादा आ पहुंचे। बेशक अल्लाह वादा खिलाफ नहीं करता। और तुमसे पहले भी रसूलों के साथ तमस्खुर होते रहे हैं, तो मैंने काफिरों को मोहलत दी फिर मैंने उनको पकड़ लिया, सो देख लो कि मेरा अजाब कैसा रहा। तो क्या वो जो हर शख्स के आमाल का निगरान और निगहबान है वो बुतों की तरह बेइल्मो बेखबर हो सकता है। और इन लोगों ने अल्लाह के शरीक मुकर्रर कर रखे हैं, इनसे कहो कि जरा उनके नाम तो लो, क्या तुम उसे ऐसी चीजें बताते हो जो रूए जमीन पर हैं और उसे मालूम नहीं, या तुम लोग महज सतही बात की तकलीद करते हो। असल यह है कि काफिरों को उनके फरेब खूबसूरत मालूम होते हैं और वो हिदायत के रस्ते से रोक लिए गए हैं, और जिसे अल्लाह गुमराह रहने दे उसे कोई हिदायत करने वाला नहीं। उनको दुनिया की जिंदगी में भी अजाब है और आखिरत का अजाब तो बहुत ही सख्त है, और उनको अल्लाह के अजाब से कोई भी बचाने वाला नहीं। जिस जन्नत का परहेजगारों से वादा किया गया है उसकी शान यह है कि उसके नीचे नहरें बह रही हैं, उसके फल हमेशा बाकी रहने वाले हैं और उसके साए भी। ये उन लोगों का अंजाम है जो मुत्तकी हैं, और काफिरों का अंजाम दोजख है। और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस किताब से जो तुम पर नाजिल हुई है खुश होती हैं, और बास फिरके इसकी बास बातें नहीं भी मानते। कह दो कि मुझको यही हुक्म हुआ है कि अल्लाह ही की इबादत करूं और उसके साथ किसी को शरीक न बनाऊं, मैं उसी की तरफ बुलाता हूं और उसी की तरफ मुझे लौटना है। और इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी जबान का फरमान बनाकर नाजिल किया है, और अगर तुम इल्म आ जाने के बाद इन लोगों की ख्वाहिशों के पीछे चलोगे तो अल्लाह के सामने कोई न तुम्हारा मददगार होगा और न कोई बचाने वाला। और ऐ नबी हमने तुमसे पहले भी पैगंबर भेजे थे और उनको बीवियां और औलाद भी दी थी, और किसी पैगंबर के इख्तियार की बात न थी कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई निशानी ले आता। हर हुक्म कजा किताब में लिखा हुआ है, अल्लाह जिस चीज को चाहता है मिटा देता है और जिसको चाहता है बाकी रखता है, और उसी के पास असल किताब है। और अगर हम कोई अजाब जिसका इन लोगों से वादा करते हैं तुम्हें दिखाएं, यानी तुम्हारे रूबरू इन पर नाजिल करें, या तुम्हारी मुद्दत हयात पूरी कर दें यानी तुम्हारे इंतकाल के बाद अजाब भेजें, तो तुम्हारा काम हमारे अहकाम का पहुंचा देना है और हमारा काम हिसाब लेना है। क्या इन्होंने नहीं देखा कि हम जमीन को उसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं, और अल्लाह जैसा चाहता है हुक्म करता है, कोई उसके हुक्म का रद्द करने वाला नहीं, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। जो लोग इनसे पहले थे
वो भी बहुतेरी तदबीरें करते रहे हैं। सो तदबीर तो सब अल्लाह ही की होती है। हर शख्स जो कुछ कर रहा है अल्लाह उसे जानता है, और काफिर जल्द मालूम कर लेंगे कि आखिरत में अच्छा अंजाम किसके लिए होता है। और काफिर लोग कहते हैं कि तुम पैगंबर नहीं हो, कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह और वो शख्स जिसके पास किताब आसमानी का इल्म है बतौर गवाह काफी है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये एक पुरनूर किताब है, इसको हमने तुम पर इसलिए नाजिल किया है कि तुम लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाओ, यानी उनके परवरदिगार के हुक्म से इज्जत वाले खूबियों वाले मालिक के रास्ते की तरफ, यानी उस अल्लाह के रास्ते की तरफ कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब उसी का है, और उन काफिरों के लिए अजाब शदीद की वजह से तबाही और बर्बादी मुकद्दर है जो आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी को पसंद करते और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते और उसमें कजी चाहते हैं। ये लोग बड़े दूर की गुमराही में हैं, और हमने कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर वो अपनी कौम की जबान बोलता था ताकि उन्हें अहकाम इलाही खोल खोल कर बता दे। फिर अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह रहने देता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो गालिब है हिकमत वाला है। और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को तारीकियों से निकालकर रोशनी में ले जाओ और उनको अल्लाह के दिन याद दिलाओ, और इसमें उन लोगों के लिए जो साबिर और शाकिर हैं निशानियां हैं। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ने जो तुम पर मेहरबानियां की हैं उनको याद करो, जबकि उसने तुमको फिरौन की कौम से रिहाई बख्शी, वो लोग तुम्हें बुरे बुरे अजाब देते थे और तुम्हारे बेटों को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको आगाह किया कि अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा और अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो कि मेरा अजाब भी सख्त है, और मूसा ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम और जितने और लोग जमीन में हैं सबके सब नाशुक्री करो तो भी अल्लाह बेनियाज है काबिल तारीफ है। भला तुमको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले थे, यानी नूह और आद और समूद की कौम और जो उनके बाद थे, जिनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। जब उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आए तो उन्होंने अपने हाथ उनके मुंहों पर रख दिए कि खामोश रहो, और कहने लगे कि हम तो तुम्हारी रिसालत को तस्लीम नहीं करते, और जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो हमको उसमें भारी शक है। उनके पैगंबरों ने कहा, क्या तुमको अल्लाह के बारे में शक है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है? वो तुम्हें इसलिए बुलाता है कि तुम्हारे गुनाह बख्शे और एक मुद्दत मुकर्रर तक तुमको मोहलत दे। वो बोले कि तुम तो हमारे ही जैसे आदमी हो, तुम्हारा ये मंशा है कि जिन चीजों को हमारे बड़े पूजते रहे हैं उनके पूजने से तुम हमें रोक दो, तो अच्छा कोई खुली दलील लाओ यानी मोजजा दिखाओ। पैगंबरों ने उनसे कहा कि हां हम तुम्हारे ही जैसे आदमी हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नबूवत का एहसान करता है, और हमारे इख्तियार की बात नहीं कि हम अल्लाह के हुक्म के बगैर तुमको तुम्हारी फरमाइश के मुताबिक मोजजा दिखाएं, और अल्लाह ही पर मोमिनों को तो भरोसा रखना चाहिए। और हम क्यों अल्लाह पर भरोसा न रखें हालांकि उसने हमको हमारे दीन के सीधे रास्ते बताए हैं, और जो तकलीफें तुम हमको देते हो उस पर हम सब्र करेंगे, और अहले तवक्कुल को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। और जो काफिर थे उन्होंने अपने पैगंबरों से कहा कि या तो हम तुमको अपने मुल्क से बाहर निकाल देंगे या तुम हमारे मजहब में वापस आ जाओ। बस उनके परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि हम जालिमों को हलाक कर देंगे और उनके बाद तुमको इस जमीन में आबाद कर देंगे। ये उस शख्स के लिए है जो कयामत के रोज मेरे सामने खड़े होने से डरे और मेरे अजाब से खौफ करे। और पैगंबरों ने अल्लाह से फतह चाही और हर सरकश जिद्दी नामुराद रह गया। उसके पीछे दोजख है और उसे पीप वाला पानी पिलाया जाएगा, वो उसको घूंट घूंट करके पिएगा और गले से नहीं उतार सकेगा, और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने में नहीं आएगा।
और उसके बाद सख्त अजाब होगा। जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया उनके आमाल की मिसाल राख की सी है कि आंधी के दिन उस पर जोर की हवा चले जो उसे उड़ा ले जाए। इसी तरह जो काम वो करते रहे उन पर उनको कुछ काबू न होगा। यही तो परले सिरे की गुमराही है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को तदबीर से पैदा किया है? अगर वो चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और तुम्हारी जगह नई मखलूक पैदा कर दे, और ये अल्लाह को कुछ भी मुश्किल नहीं। और कयामत के दिन सब लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो गरीब पैरोकार बड़े बन बैठने वालों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पैरो थे, क्या तुम अल्लाह का कुछ अजाब हम पर से दफा कर सकते हो? वो कहेंगे कि अगर अल्लाह हमको हिदायत करता तो हम तुमको हिदायत करते। अब हम घबराहट जाहिर करें या सब्र करें, हमारे हक में बराबर है। कोई जगह रिहाई की हमारे लिए नहीं है। और जब हिसाब किताब का काम फैसल हो चुकेगा तो शैतान कहेगा, जो वादा अल्लाह ने तुमसे किया था वो तो सच्चा था और जो वादा मैंने तुमसे किया था वो झूठा था, और मेरा तुम पर किसी तरह का जोर नहीं था। हां, मैंने तुमको गुमराही और बातिल की तरफ बुलाया तो तुमने जल्दी से और बेदलील मेरा कहना मान लिया। तो आज मुझे मलामत न करो, अपने आप ही को मलामत करो। न मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूं और न तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। मैं इस बात से इनकार करता हूं कि तुम पहले मुझे शरीक बनाते थे। बेशक जो जालिम हैं उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है। और जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे वो बहिश्तों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। अपने परवरदिगार के हुक्म से वो हमेशा उनमें रहेंगे। वहां वो हर मुलाकात पर एक दूसरे को सलाम कहेंगे। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने कलिमा तैयबा की कैसी मिसाल बयान फरमाई है? वो ऐसी है जैसे पाकीजा दरख्त जिसकी जड़ मजबूत हो और शाखें आसमान में फैली हो। वो अपने परवरदिगार के हुक्म से हर मौके पर फल लाता हो, और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान फरमाता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। और नापाक बात यानी गलत अकीदे की मिसाल नापाक दरख्त की सी है कि वो जमीन के ऊपर ही से उखेड़ कर फेंक दिया जाए, उसको जरा भी करार और सबात नहीं। अल्लाह मोमिनों के दिलों को सही और पक्की बात से दुनिया की जिंदगी में भी मजबूत रखता है और आखिरत में भी रखेगा। और अल्लाह बे इंसाफों को गुमराह कर देता है और अल्लाह जो चाहता है करता है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह के एहसान को नाशुक्री से बदल दिया और अपनी कौम को तबाही के घर में ला उतारा, यानी दोजख में, के सब नाशुक्रे उसमें दाखिल होंगे और वो बुरा ठिकाना है। और उन लोगों ने अल्लाह के शरीक मुकर्रर किए कि लोगों को उसके रस्ते से गुमराह करें। कह दो कि चंद रोज फायदे उठा लो, आखिरकार तुमको दोजख की तरफ लौट कर जाना है। ऐ पैगंबर, मेरे मोमिन बंदों से कह दो कि नमाज पढ़ा करें और उस दिन के आने से पेशतर जिसमें ना अमाल का सौदा होगा और न दोस्ती काम आएगी, हमारे दिए हुए माल में से पोशीदा और अलानिया खर्च करते रहें। अल्लाह ही तो है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और आसमान से मेह बरसाया, फिर उससे तुम्हारे खाने के लिए फल पैदा किए और कश्तियों और जहाजों को तुम्हारे जेरे फरमान किया ताकि वो समंदर में उसके हुक्म से चलें, और नहरों को भी तुम्हारे जेरे फरमान किया, और सूरज और चांद को तुम्हारे लिए काम में लगा दिया कि दोनों दिन रात एक डगर पर चल रहे हैं, और रात और दिन को भी तुम्हारी खातिर काम में लगा दिया, और जो कुछ तुमने मांगा सब में से तुमको इनायत किया। और अगर अल्लाह के एहसान गिनने लगो तो शुमार न कर सको, मगर लोग नेमतों का शुक्र नहीं करते। कुछ शक नहीं कि इंसान बड़ा बेइंसाफ है, नाशुक्रा है। और जब इब्राहिम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, इस शहर को लोगों के लिए अमन की जगह बना दे और मुझे और मेरी औलाद को इस बात से कि बुतों की परस्तिश करने लगे बचाए रखियो, ऐ परवरदिगार उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया है, सो जिस शख्स ने मेरा कहा माना वो मेरा है, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो तू बख्शने वाला है, मेहरबान है। ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद एक वादी में जहां खेती नहीं तेरे इज्जत और अदब वाले घर के पास ला बसाई है, ऐ परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़ें, सो तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहें और इनको मेवों से रोजी देते रहना ताकि तेरा शुक्र करें।
ऐ परवरदिगार, जो बात हम छुपाते और जो जाहिर करते हैं तू सब जानता है, और अल्लाह से कोई चीज मख्फी नहीं, न जमीन में न आसमान में। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझको बड़ी उम्र में इस्माइल और इसहाक बख्शे, बेशक मेरा परवरदिगार दुआ सुनने वाला है। ऐ परवरदिगार, मुझको ऐसी तौफीक इनायत कर कि नमाज पढ़ता रहूं, और मेरी औलाद को भी ये तौफीक बख्श। ऐ परवरदिगार, मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार, हिसाब किताब के दिन मेरी और मेरे माँ बाप की और मोमिनों की मगफिरत कीजो। और मोमिनों, ये ना समझना कि ये जालिम जो काम कर रहे हैं अल्लाह उनसे बेखबर है, वो इनको उस दिन तक मोहलत दे रहा है जबकि दहशत के सबब आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, और लोग सर उठाए हुए मैदान कयामत की तरफ दौड़ रहे होंगे, उनकी निगाहें खुद अपनी तरफ लौट न सकेंगी, और उनके दिल मारे खौफ के हवा हो रहे होंगे। और लोगों को उस दिन से आगाह कर दो जब उन पर अजाब आ जाएगा, तब जालिम लोग कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें थोड़ी सी मोहलत अता कर ताकि हम तेरी दावत तौहीद कबूल करें और तेरे पैगंबरों के पीछे चलें। तो जवाब मिलेगा, क्या तुम पहले कस्में नहीं खाया करते थे कि तुमको इस हाल से जिसमें तुम हो जवाल नहीं होगा, और जो लोग अपने आप पर जुल्म करते थे तुम उनके मकानों में रहते थे, और तुम पर जाहिर हो चुका था कि हमने उन लोगों के साथ किस तरह का मामला किया था, और तुम्हारे समझाने के लिए मिसालें बयान कर दी थीं, और उन्होंने बड़ी बड़ी तदबीरें की, और उनकी सब तदबीरें अल्लाह के यहां लिखी हुई है, गो वो तदबीरें ऐसी गजब की थी कि उनसे पहाड़ भी टल जाए। तो ऐसा ख्याल न करना कि अल्लाह ने जो अपने पैगंबरों से वादा किया है वो उसके खिलाफ करेगा, बेशक अल्लाह जबरदस्त है बदला लेने वाला है। जिस दिन ये जमीन दूसरी ही जमीन बना दी जाएगी और आसमान भी बदल दिए जाएंगे, और सब लोग अल्लाह के सामने निकल खड़े होंगे, जो यकता है बड़ा जबरदस्त है। और उस दिन तुम गुनाहगारों को देखोगे कि जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उनके कुर्ते तारकोल के होंगे, और उनके चेहरों को आग लिपट रही होगी, ये इसलिए कि अल्लाह हर शख्स को उसके आमाल का बदला दे, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ये कुरान लोगों के नाम अल्लाह का पैगाम है ताकि उनको उससे डराया जाए, और ताकि वो जान लें कि वही अकेला माबूद है, और ताकि अहले अक्ल नसीहत हासिल करें। कितना ही सुकून मिला सुन के, दिल को कितनी ठंडक से मिले, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। इसने बता रखा है कि जो बिजली कड़कती है, जो बारिश होती है, और किसी ऊपर जो बिजली गिर जाती है वो ऊपर वाले अल्लाह ताला ही होते हैं, ऊपर वाले ही गिराते हैं, अपनी मर्जी से किसी को ऊपर भी गिरा सकते हैं। और तुम अच्छी बातों और बुरी बातों में से तुम बुरी बातों को सुनते हो, इतना याद रखना कि उस बुरी चीज़ पे चलने के लिए तुम्हें दोजख में चलना पड़ेगा, ऊपर दोजख में चलना पड़ेगा, तुम्हें सजा मिलेगी। और पैगंबर बोलते हैं लोगों कि तुम्हारे ऊपर कितने अत्याचार कर रहे थे, पैगंबर कहते हैं लोगों कि तुम्हारी कौम पर फिरौन कितना अत्याचार कर रहे थे, लोगों को मार दे रहे थे लेकिन लड़कियों को जिंदा छोड़ दे रहे थे, और उस कौम से उस फिरौन के अत्याचारों से किसने बताया बचाए, ऊपर वाले अल्लाह ताला ने ही। तो फिर ऊपर वाले को मानो, उनकी इबादत करो, क्यों इबादत नहीं करते हो, और जो ये दरख्त है, पेड़ पौधे पहाड़ ये सब किसने बनाया, ऊपर वाले ने ही बनाया, तुम क्यों गलत राह पे चलते हो, गलत राह पे क्यों चलते हो, ऊपर वाले आप अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश करते लेकिन तुम गलत रास्ता चुनते हो। इतना याद रखना कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, इसकी सजा भी बहुत बुरी मिलेगी। और कुरान जो नाजिल किया गया ऊपर वाले ने किया है नाजिल, अल्लाह ताला ने ऊपर से आई हुई है कुरान, तो ये कुरान हम सब लोगों के लिए, ये हमारे हिदायत के लिए है, हम इसे सीख मिले जिससे कि हम चीज़ों को जान सके और हम अच्छे रास्ते नेक रास्ते पे चल सके। सच्चे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा बताया। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना, जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।